नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित न्यू एनसीएल को लेकर पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसकी आज सुनवाई हुई। और पहले तो पूरी उम्मीद थी कि आज सुनवाई पूरी हो जाएगी और एक दो दिन में अंतिम फैसला भी आ जाएगा, लेकिन आज सुनवाई तो हुई लेकिन एक नई तारीख फिर से दे दी गई और एग्जैक्ट तारीख भी नहीं दी गई है, बल्कि एक सप्ताह का समय दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्योंकि 3-4 महीना 5 महीना सिर्फ इस बात को लेकर केस चले कि न्यू एनसीएल एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश के जितने भी न्यायपालिका हैं, जितने भी जज हैं, जितने भी नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा क्या मामला है कि जिसके लिए आप दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल अंतिम तक आप डिसीजन नहीं हो पा रहा है और बार बार तारीख पे तारीख हो रहा है। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका को इस पर विचार करना चाहिए कि उस न्यायपालिका में भी सुधार की ज़रूरत है। और आज जो एक सप्ताह का समय दिया गया है, अब पेटिशनर के वकील ने समय मांगा, बीएसएससी के वकील ने समय मांगा या जज साहब ने खुद दिया, ये मैं वहाँ मौजूद नहीं था इसलिए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें मैंने सुनी हैं और जो जानकारी मुझे मिली है उसके अनुसार जज साहब ने एक सप्ताह का समय दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है एनसीएल से संबंधित उसको पढ़ने के लिए, उस केस का स्टडी करने के लिए, मैंने पेटिशनर के वकील को उस केस का स्टडी करना है और इसके लिए एक सप्ताह का समय जज साहब ने दिया, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। मैं फिर बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि मैं कोर्ट में मौजूद नहीं था, मुझे जो जानकारी मिल रही है वही बात मैं बता रहा हूँ। अब इसमें क्या सच्चाई है नहीं है ये मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जज साहब ने खुद एक सप्ताह का समय दिया, न तो बीएसएससी के वकील ने और न ही पेटिशनर के वकील ने कोई समय मांगा। जज साहब ने एक सप्ताह का समय दिया कि सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित कोई केस चल रहा था एनसीएल से संबंधित है, उस केस का स्टडी करने के लिए, उसका जजमेंट क्या है, उस केस में क्या था, उसका स्टडी करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। तो अब इसमें मैं फिर दोहरा रहा हूँ ये बात कि मुझे जो जानकारी मिली है वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कोर्ट में मौजूद था नहीं, तो एग्जैक्ट क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानता, बस जो जानकारी मिली है वही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका को इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे मामलों में इतनी लेट लतीफ़ी क्यों होती है, और न्यायपालिका में सुधार की बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यकता है न्यायपालिका में सुधार की, क्योंकि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, चाहे वो बीपीएससी का केस हो, दरोगा बहाली से संबंधित हो, या फिर बीएसएससी से ही पूर्व में जो बहुत सारा केस हुआ था, तो बहुत लेट लतीफ़ी होती है। आखिर स्टूडेंट्स से जुड़े मुद्दों पे ही पटना हाईकोर्ट में इतना लेट लतीफ़ी क्यों होता है? एक तो बहाली नहीं आती है, बिहार में बहाली आती है तो 7-8 साल लग जाता है, धांधली होती है, और उसके बाद भी अगर कोई न्याय के लिए कोर्ट जाए तो कोर्ट में भी अगर समय लग जाए ज़्यादा समय, तो फिर मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इस पर तो गंभीर रूप से विचार करना चाहिए, गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के बारे में हम लोग ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, या आप लोग भी जानते हैं कि कोर्ट के बारे में ज़्यादा बोलना उचित नहीं होता है, नहीं तो अवमानना का नोटिस आ जाएगा, मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, अवमानना के आरोप में पटना हाईकोर्ट द्वारा केस थोप दिया जाएगा हमारे ही ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगा कि अगर न्याय देर से मिलता है, अगर न्याय देर से मिले तो वो न्याय नहीं कहलाता, वो भी एक तरह से अन्याय है। तो पटना हाईकोर्ट को इस बारे में सोचना चाहिए, झारखंड में, यूपी में, राजस्थान में जब स्टूडेंट्स का मैटर जाता है वहाँ के हाईकोर्ट में, तो फिर वहाँ तुरंत सुनवाई कैसे हो जाती है, तुरंत फैसला कैसे आ जाता है? तो पटना हाईकोर्ट को भी इस पर सोचना चाहिए कि 5 महीना और 4 महीना ऐसे मामलों में अगर लग जाता है और कोई डिसीजन नहीं हो पाता है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है, ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, एक दो स्टूडेंट्स का तो बात नहीं है, यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स के भविष्य और उनकी ज़िंदगी का सवाल है। तो पटना हाईकोर्ट को निश्चित रूप से इस पर सोचना चाहिए। अभी एक सप्ताह का समय दिया गया, अभी फिर से कोई तारीख नहीं दी गई है, पिछले बार भी 2 मार्च को सुनवाई होनी थी नहीं हुआ, 9 मार्च को गया, लिस्टिंग मेंशनिंग ये सब करवाना पड़ता है, फिर आपको 6 अप्रैल को सुनवाई होनी थी नहीं हुआ, आज हुई है सुनवाई, आपको 21 अप्रैल को सुनवाई। अब सोचिए 6 अप्रैल से जिस केस की सुनवाई 6 अप्रैल को होनी थी, डेट दिया गया था पटना हाईकोर्ट के द्वारा ही,
और उस केस की सुनवाई 6 अप्रैल को न होकर 21 अप्रैल को हुई और फिर से आज एक सप्ताह का समय दे दिया गया और फिर अब पता नहीं नेक्स्ट हियरिंग कब होगी, वो डेट क्या होगा, फिर लिस्टिंग मेंशनिंग ये सब का झमेला लगेगा। तो मुझे लगता है ये तो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, ये तो बिहार के ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है या प्रथम इंटर स्तरीय अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बिहार के समस्त छात्र छात्राओं के साथ अन्याय हो रहा है। क्योंकि सिर्फ इस मामले में नहीं, बहुत सारा केस ऐसा है जो 2020 में केस हुआ, 2021 में हुआ, आज तक एक हियरिंग नहीं हुआ उस केस के। हम लोग जानते हैं बहुत सारा ऐसा केस स्टूडेंट्स ने किया था, चाहे वो दरोगा बहाली से संबंधित हो या पूसा एग्रीकल्चर से संबंधित हो या और भी बहुत सारा मुद्दा है। बीएसएससी से यही प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का ही एक केस पीटी का चल रहा है, तो अभी तक हियरिंग नहीं हो पाती है, एक भी हियरिंग नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये सब पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार को भी इस पर कुछ बोलना चाहिए, कुछ दिशा निर्देश अपने तरफ से अपील करना चाहिए और कोर्ट को भी चाहिए था कि इस ऐसे मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द डिसीजन आना चाहिए। और अभी हम कोर्ट के बारे में क्या बोलें, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हैं, आप लोग भी समझते हैं मजबूरी है कोर्ट के बारे में बोलने में। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप न्याय के लिए वहाँ लोग जाए और आप कोर्ट में ही देरी से न्याय हो तो वह अन्याय ही कहलाएगा। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि पटना हाई कोर्ट को इस ऐसे मामलों पे गंभीरतापूर्वक विचार करनी चाहिए कि इतनी देरी क्यों होती है, आखिर पटना हाई कोर्ट में इतनी देरी क्यों होती है ऐसे मामलों की सुनवाई होने में? क्या सरकार की कोई साजिश है या क्या सरकार के दबाव में पटना हाई कोर्ट काम कर रहा है? क्या बात है? आखिर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या हमें इतनी आज़ादी नहीं कि हम अपनी बातों को भी रख सके? तो हम लोकतंत्र में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम अपनी बातों को रख रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इतना लेट लतीफी चलता है, आखिर क्यों हो रहा है? तो ये बहुत गंभीर विषय है। ये आज प्रथम इंटर स्तरीय बहाली का ही सिर्फ बात नहीं है, मैं पूरे शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहा हूँ कि जब जब पटना हाई कोर्ट में ऐसे मामलों पे सुनवाई होनी होती है तो लेट लतीफी क्यों हो जाती है? तो इसके निश्चित रूप से कोई ना कोई साजिश चल रहा है, या तो सरकार साजिश कर रही है, कुछ ना कुछ तो खेल चल रहा है। तो इसलिए चाहिए पटना हाई कोर्ट को कि छात्रों का विश्वास बना रहे पटना हाई कोर्ट पे, जनता का विश्वास बना रहे पटना हाई कोर्ट पे, तो ऐसा डिसीजन दे, इस तरह से कार्य होना चाहिए पटना हाई कोर्ट में। नहीं तो फिर धीरे धीरे होगा, पटना हाई कोर्ट पर से छात्रों का और आम जनता का विश्वास उठ जाएगा। तो पटना हाई कोर्ट को गंभीरतापूर्वक ऐसे मामलों पे विचार करना चाहिए। और आप तमाम छात्रों से, हम छात्राओं से भी यही कहना चाहेंगे कि कोर्ट का मामला है तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर कोई लगता है कि कुछ इसमें किया जा सकता है तो आप लोग हमें भी बताइए, अगर आप लोग के लिए हम कुछ कर पाएंगे तो हमें खुशी होगी। लेकिन जब कोर्ट में केस चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी कुछ कर पा रहा हूँ, मैं कुछ करने की स्थिति में मैं भी खुद नहीं हूँ, क्योंकि कोर्ट में मामला, जब तक कोर्ट में चलेगा तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मजबूरी है। तो आप लोग बस इतना कीजिए कि आप सोशल साइट्स पे भी कम से कम आप लोग प्रेशर बनाइए, दबाव बनाइए बीएसएससी पे, पटना हाई कोर्ट पे, पेटिशनर पे, और उसके बाद आप सरकार पे, बिहार सरकार पे, सभी पे आप दबाव बनाइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि बार बार तारीख पे तारीख क्यों हो रहा है? आखिर एक सप्ताह का समय अभी दिया गया उस केस का स्टडी करने के लिए, तो यही काम पहले किया जा सकता था, यही काम जनवरी में हो सकता था, यही काम फरवरी में भी हो सकता था, यही काम जब 9 मार्च को सुनवाई उस दिन भी हो सकता था कि उस दिन भी ऐसा कहा जाता। लेकिन हर डेट पे एक नया चीज़ आ जाता है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है कि इस बहाली को लटका के रखा जाए, और यही वजह है कि ये सब खेल चल रहा है। मुझे तो यही लगता है शुरू से ही कि सरकार की साजिश है कि ये बहाली जल्दी पूरी ही ना हो और लटका के रखो किसी तरह से, और इसीलिए छात्रों को आपस में बांटा गया, न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल का खेल खेला गया। पहले तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर खेल खेला गया, फिर न्यू एनसीएल ओल्ड एनसीएल को लेकर खेल खेला गया। तो आप समस्त छात्र छात्राओं से हम यही अपील करते हैं कि आप लोग कम से कम सोशल साइट्स पे आप लोग दबाव बनाइए। लेकिन कितने लोग हैं जो सोशल साइट्स पे भी कम से कम इस सब चीज़ को लेकर लिखते हैं, बोलते हैं, आंदोलन भी होता है तो सभी छात्र छात्राएं नहीं आते हैं? आप सोचिए कि कितने स्टूडेंट्स हैं, 14,000 कुछ लोग जो है काउंसलिंग करवाएं, लेकिन जब आंदोलन हुआ था 25 मार्च को भी मेरिट लिस्ट जारी करवाने के लिए, तो आप लोगों में से कितने लोग आए थे, जरा सोचिए। तो घर बैठे रहिएगा और सोचिएगा कि सब कुछ हो जाए, तो नहीं होगा। और इसी का जो है नाजायज फायदा सरकार और बीएसएससी उठा रही है, क्योंकि उनको पता है कि सभी छात्र सड़क पर नहीं उतरने वाले हैं, ये लोग घर ही बैठे रहते हैं, और इसी का नाजायज फायदा सरकार और बीएसएससी उठा रही है। इसलिए आप लोगों से बार बार हम अपील करते हैं कि जब भी आंदोलन होता है तो आप लोग आइए, लेकिन नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं,
आप लोग खुद अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि आप लोग क्यों नहीं आते हैं। अगर जब भी आंदोलन हुआ, अगर उस समय सभी लोग आ जाते, अगर 50% भी स्टूडेंट आ जाते ना, जितना इस बहाली में है 50% भी आ जाते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती, कोर्ट कचहरी का चक्कर ही नहीं लगता और इतना लेट लतीफ़ी नहीं होता इस बहाली में। लेकिन जब भी आंदोलन होता है तो अधिकतर लोग घर बैठे रहते हैं, बहुत कम लोग आंदोलन में आते हैं और इसका नाजायज फ़ायदा आयोग और सरकार उठा रही है। तो कम से कम अभी भी आप लोग सोशल साइट्स के माध्यम से दबाव बनाइए कि जल्द इसमें सुनवाई हो और कोई अरंगा न लगे, जल्द डिसीजन आए, मेरिट लिस्ट जल्द निकाला जाए। या अभी भी आप लोग दबाव बनाइए कि BSSC मेरिट लिस्ट जारी कर दे, BSSC मेरिट लिस्ट जारी कर दे। जब इस तरह का चल रहा है खेल तो ठीक है, आप न्यू NCL ओल्ड NCL का जब तक डिसीजन नहीं होता है तब तक आप रोक के रखिए, बाकी लोग का रिजल्ट आप जारी कर दीजिए, SC ST और जनरल कैटेगरी का आप